फ्रेंड्स, हमारे रसोई में रुआ सम्मी के बहुत बहुत स्वागत बा। चलिए आज रुआ लोग को बताएं बहुत ही टेस्टी पास्ता की रेसिपी। इतना टेस्टी कि एक बार खा के देखो हम रुआ लोग बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो चलिए रुआ लोग को बताओ तन कि हम अपना तरीका से पास्ता कैसे बनाएगा, एक बार जरूर ट्राई करम जा। तो हम कच्चा पास्ता ले ले बनी, एक के बॉयल कर जाए। बॉयल करे खाती एक पतीला में पानी बैठा दे ले बनी खोले खाती। ये जब हल्का खोले लगी तो एक में डाल दे हम थोड़ा सा तेल, काहे कि पास्ता हमने के चिपचिपाहट ना रही तेल डाला से। तो एक से डेढ़ चम्मच हम तेल डाल दें हम। पानी पूरा खोले लगी तो इसी में डाल दें हम पास्ता। इसे कहो कि पानी खोले लगी पास्ता डाला हो तो तेल डाल दें हम, तो पास्ता एक दूसरे से चिपकी ना। पास्ता चाउमीन हो, मैक्रोनी हो, कोई चीज़ हो, तो इसी में हम डाल दे तनी। अब एक रखे अच्छा से हम थोड़ा सा खोलाएँ ताकि पास्ता हमने के अच्छा से पक जाए। जब एकरा में पका ले हम तो ड्राई पास्ता अच्छा से ये बन जाला। अगर ग्रेवी वाला बनाए के बाद तो थोड़ा सा हल्का सा कच्चा ही हो उतारम तो ठीक रहे, लेकिन हम ड्राई पास्ता बनाओ तनी मसालेदार, तो इसके लिए हम पानी में ही अच्छा से एकरा के खोला के पका ले हम पास्ता के, ताकि कच्चापन ना रह जाए। पास्ता के चलाते हुए ही पकाएं ना तो एक दूसरे से चिपक जाए और नीचे पेंदी में बढ़ जाए। तो कभी भी पास्ता के अगर उबाली तो ओकरा के चलाते हुए उबाली, ताकि पास्ता एक दूसरे से चिपके ना और नीचे पेंदी में बैठे ना। पास्ता अच्छी तरह से पक गई बा, एकरा के अगर दबा के देखम हाथ से तो ये पक जाए। अब एक गर्म बा हाथ से दबने के पावत, उसके बाद देख ले हम कि अच्छा से अगर पक जाए तो एकरा के अच्छा से छान लेवे के बाद। छाने खातिर रुआ या तो एकरा के पानी निकाल दी या तो कोई छन्नी से अच्छा से पानी निकाल ली हूँ। इससे क्या होगी कि पानी अगर ना रही तो ड्राई अच्छा से फ्राई हो जाए। सारा छना गई बा, पानी में से निकाल ले बनी। अब इस पर बैठाएँ हम कढ़ाई, कढ़ाई बैठा दे ले बनी। कढ़ाई के अच्छा से गर्म हो जाए दे हम, ताकि हमारे पास्ता चिपके ना। अगर नॉन स्टिक की पैन बैठा होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोहा के कढ़ाई में बैठा ले बनी तो थोड़ा सा गर्म हो जाए, हीट हो जाए तो हमारे पास्ता चिपकी ना। चलिए तो हमने के कढ़ाई गर्म हो गई बा, अब इसमें डाल दें हम तेल। तेल के अच्छा से गर्म होके दे हम, ताकि हमने के पास्ता अच्छा से फ्राई हो जाए। तेल अच्छा से गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें हम कटा हुआ अदरक, छोटा छोटा भी काट ले हम, जितने छोटा काटम उतना ही अच्छा रही। उसके बाद डाल दें हरी मिर्च, अच्छा से दोनों चीज के कड़क जाए दें हम। उसके बाद डाल दें हम एक बड़ा साइज में प्याज, प्याज के ही साथ डाल दें हम शिमला मिर्च, वो भी एक ही साइज में, जैसे प्याज रुआ कट ले बनी वही साइज में शिमला मिर्च काट ले हम। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा एकरा के भून लें हम। प्याज और शिमला मिर्च के अच्छा से हल्का ही फ्राई करे के बाद, ज़्यादा फ्राई नहीं के करे के, हल्का कच्चापन जो होकेला हट जाए उसी तरीका से अदरक लहसुन के लाल कर लेवे के बाद। इसे कहो कि हल्का कच्चापन नहीं रही ओकरा में तो टेस्ट अच्छा आई। अब इसी के साथ हम डाल दें हम मैगी मसाला। अगर मैगी मसाला ना हो तो घर के जो मसाला होकेला वो भी डाल सकते नहीं। और इसी के साथ हम डाल दें हम टमाटर, ताकि हमारा मसाला जले ना। और थोड़ा सा हल्का सा हम भून लें हम, ज़्यादा नहीं के भुने के भी, जिसकी टमाटर भी हल्का खड़ा रहे, देखे में सुंदर, खाए में टेस्टी होके। तो इस तरीका से टमाटर भी डाल देवे के बाद हल्का सा मैगी मसाला के भून लेवे के बाद। चलिए तो सभी चीज़ के हम डाल के हल्का सा फ्राई कर लेनी। अब हम डाल दें हम एकरा में पास्ता जो हमने के बॉयल कर ले रही जा। अगर हमने के तेल ना डाल ले रहती जा तो ये चिपचिपाहट हो जाए, एक दूसरे से चिपक जाए। अगर चिपचिपाहट ठीक है तो थोड़ा सा एक चम्मच तेल डाल दें हम, जैसे कह रहे कि पास्ता खिला खिला होगी और एक एक में चिपकी ना। अच्छा से एक रख के मिक्स कर लें और स्वाद अनुसार नमक जरूर याद करके डालें हम। कोई भी मैगी मसाला डाली, कोई भी मैगी मसाला उपरा में हल्का नमक डाली, कहे कि राउस पास्ता के क्वांटिटी ज़्यादा रहेला और मसाला के क्वांटिटी कम रहेला, ये चलते रहुआ नमक डालना चाहिए। देख रखे डाल देवे के, अब अच्छा से एक रखे मिक्स करके थोड़ा देर तक ले एक में फ्राई कीजिए, ताकि पास्ता में अंदर तक ले स्वाद जाए मसाला के सब्जी के। अगर वह चाहिए तो ग्रीन गोभी सब कोई भी डाल सकते हैं, जैसे गोभी हो गई, बीन्स हो गए, वो सब चीज़ भी डाल के फ्राई कर सकते हुए 5 से 10 मिनट फ्राई करे के बाद, ज़्यादा नहीं के करे के कि जल जाए। अच्छा से हल्का सा फ्राई कर ले हम, तेकर टेस्ट अच्छा आ जाए। रो लोग कैसे बनाई ले जा थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं जा। हमारे रेसिपी रो लोग कैसा लगेगा, उम्मीद बाकी अच्छा लगा तो हुई हम। चलिए तो हमने के पास्ता अच्छा से फ्राई कर ले बन जा चलाते हुए। अब गैस के बंद करते हैं और वो के निकाल के दिखाओ तनी। चलिए देखिए पास्ता के हम
निकाले खातिर प्लेट रख देले बनी। तो बताइए ना कमेंट करके कि हमारे पास्ता की रेसिपी कैसा लागल। फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अच्छा लागत हुई तो लाइक जरूर करम जा कि ताकि पता चल जाए कि हमार रेसिपी अच्छा बा। चलिए तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। खातिर वह सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे रेसिपी पर लाइक जरूर।